नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार सिंह। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऊंचा गाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से रियाज़ करें कि हम वो रेंज अचीव कर पाएँ। जो कहते हैं ना कि ऊंचा कैसे गाएं, या बहुत लोगों की ऐसी होती है कि ऊंचा गाने में आवाज़ फटने लगता है, तो किस तरीके से रियाज़ करें कि हम ऊंचा गा सकें, या ये जो ऊँचाई है, ये जो रेंज है, ये डिसाइड कैसे होता है, हम सोचते कैसे हैं। सभी लोगों की अलग अलग रेंज होती है, तो वो किस तरीके से होती है, किस लॉजिक पे होती है। या बहुत सारे गाने होते हैं ना जो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, ऊंचे स्वरों पे, तो कैसे गाएं उसको, कैसे अभ्यास करें, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सही ढंग से संगीत को सीखने और समझने के लिए इंडियन म्यूज़िक आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ आपके हर सवालों के जवाब और बेसिक लेसन्स वीडियो के साथ अलग अलग कैटेगरी में विस्तार से समझाया गया है। गज़ल, भजन और सभी फिल्मी गानों के नोटेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो सावर सूरत मोरे मन भावे, सावर सूरत मोरे मन भावे, सुंदर लाल हमारे, जागो मोहन प्यारे। ऊंचा गाने की जो बात है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हर इंसान की ऊंचाई रेंज अलग अलग होती है। हम कभी भी किसी फीमेल वॉइस में नहीं गा सकते। अगर हमारा जैसा वॉइस है, हम इसको चेंज करके फीमेल वॉइस नहीं बना सकते। फीमेल की आवाज़ पतली होती है, हमारी मोटी होती है। ये जो ट्रूथ है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि जब आप किसी मेल की वॉइस कॉपी करते हैं तो उनके रेंज के आसपास ही होता है, लेकिन जब आप किसी फीमेल की वॉइस, फीमेल की जो सॉन्ग है वो अगर आप गाने की कोशिश करते हैं, तो या तो बहुत नीचे सुनाई देता है, नहीं तो बहुत ऊपर सुनाई देता है। इसका मतलब यही है कि जो स्केल है ना, वो अलग अलग होता है। सबको खुद के स्केल में गाना चाहिए, सभी को खुद का स्केल पहचानना चाहिए। मेरा जो वॉइस की क्वालिटी है, एक बात समझना ज़रूरी है कि जो वॉइस की क्वालिटी होती है ना, उसके अनुसार स्केल डिसाइड होता है, उसके अनुसार रेंज डिसाइड होता है। आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर नहीं गा सकते, नहीं तो आवाज़ ख़राब हो जाएगी। ज़बरदस्ती किसी सुर पे जा नहीं रहे, आवाज़ फटने लगी, फिर भी ज़बरदस्ती आप गाने की कॉपी करके अगर गाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आवाज़ ख़राब हो जाएगी। पहले आवाज़ को तैयार करना है, अपना रेंज समझना है। एकदम जो बिगनर है, उनके लिए तो सबसे पहले ये समझना है कि चलिए, अगर मेल है तो सी शार्प हम सा मान लेंगे, अगर फीमेल है तो ए शार्प, बी फ्लैट या जी शार्प हम मान लिए और रियाज़ करना शुरू किए। सा से सा तक आवाज़ आराम से पहुंच जाएगी। जब कुछ दिन रियाज हो जाएगा, उसके बाद रेंज जो है वो चेक किया जाता है। सा जो हमने पकड़ा था, वो सानी धापा माँ, मंद्र सप्तक के माँ से लेकर तार सप्तक के माँ तक आवाज़ जाना चाहिए, और मैक्सिमम नोट जो है वो तार सप्तक का माँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंद्र सप्तक में भी सुनाई दे रहा है, तार सप्तक भी बड़ी आसानी से माँ हम गा लिए, लेकिन हम पा भी जा सकते हैं, धा भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि स्केल थोड़ा बढ़ाना है, सा अपना चेंज करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि लाइफ भर क्या हम एक ही स्केल पर गाएंगे? लॉजिक समझिए, स्केल अलग है और नोट अलग है। एक सा पर सिर्फ गाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हर स्केल में बारहों स्वर होते हैं। सारे गामा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा, हर स्केल में कोमल तीव्र सभी स्वर होते हैं। तो स्केल का मतलब है एक रेंज, कि आप कितना, आपका गला किस ढंग का है, सेम इफोर्ट में, सेम एनर्जी में कौन कैसा गा सकता है। अगर कोई बहुत ऊँचा गाता है तो उसका लोअर रेंज नहीं होता है ठीक, किसी का बेस बहुत अच्छा है, लोअर रेंज अच्छा है तो हाई रेंज कम है। तो सबका अपने अपने अनुसार रेंज होता है, ये समझने वाली बात है। किसी की वॉइस पे बहुत ट्रिबल होता है, वो धीरे से भी बोलेगा, कानों को बहुत लगेगा, अरे बहुत ज़ोर बोल रहे हो। किसी का आवाज़ बहुत सॉफ्ट होता है, ज़ोर भी बोलेगा तो लगेगा बहुत कम है ना। तो समझना है क्या होता है।
रेंज जो डिसाइड होता है अपना शुरू में, जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेल है तो सी शार्प पकड़ लीजिए, फीमेल है तो बी फ्लैट पकड़ लीजिए, अपना गाइए, और रेंज फिर चेक करने की बात होती है कि हम सानी धापा मा खरज में गा सकते हैं कि नहीं सही ढंग से कंफर्टेबली। थोड़ा रियाज करने में वक्त लगता है, और तार सप्तक के सारे गामा तक हम जा सकते हैं कि नहीं, एटलीस्ट गा तक, जिस स्केल से जिस सा से हम वहाँ तक जा पाते हैं मैक्सिमम, वही अपना रेंज होता है। आप जबरदस्ती, मान लीजिए जबरदस्ती गा के पा भी तार सप्तक का गा दिए लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब पा जो है बहुत जबरदस्ती गाने के बाद आया है पा, इसका मतलब पा तक नहीं जाना है, आपको मा ही रहना है, वही आपका स्केल है। जिस स्केल से आप ट्राई कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्ती पा लगा तो समझ जाइए वही आपका स्केल है, और मा तक ही गाना है, पा नहीं गाना है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ इसका फुल डिटेल्ड वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, स्केल पहचानने के लिए, अपना रेंज पहचानने के लिए, उसमें और डिटेल है, आपको समझने में आसानी होगी। अब दूसरी बात समझते हैं कि गाने में क्या होता है ना, आवाज़ फटने लगती है कि सा के ऊपर जा रहे हैं, रे गा फटने लगी, इसका मतलब है अभी हमारा गला तैयार नहीं है इसलिए आवाज़ फट रही है। अगर मान लीजिए ऊपर सा तक हम पहुँच गए, रे गा रहे हैं, आवाज़ फट रही है, तो ज़बरदस्ती रे और गा पे नहीं जाइए। जहाँ आपका आवाज़ पहुँच रहा है, फट रहा है, रे तक है तो रे तक ही ट्राई कीजिए, कुछ दिन के रियाज के बाद वो रे सही लगने लगेगा, फिर गा के लिए ट्राई कीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ज़बरदस्ती हम सुर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो आवाज़ में खराबी आ सकती है। गला हमारा जहाँ तक साथ देगा वहाँ तक पहले स्वरों को ठीक करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से गाएंगे, गा सीधा रहना चाहिए, मा पा सीधा निकल रहा है आवाज, ठीक है, सा अभी मैंने भैरव गाया था ना, सा ने धा सा, भैरव के नोट है ये, धा सा ने रे सा गा रे सा मा गा रे सा ने धा सा, मैं जा रहा हूँ, सा ने धा सा, सा ने धा पा मा, मा पा धा ने सा, आप शुद्ध स्वर पे भी ट्राई कर सकते हैं, सा ने धा पा मा, मा तक आना चाहिए आवाज, मा पा धा ने सा, सा रे गा मा पा धा ने सा, सा रे गा मा गा रे सा मा गा रे सा मा गा रे सा ने पा सा ने धा मा पा गा सा पा मा पा धा ने सा। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है, होल्डिंग नोट्स एक एक स्वर को बहुत देर करके, मैं बस बताने की कोशिश किया कि क्या रेंज होना चाहिए। शुरू शुरू में अचानक से तार सप्तक का गा और मा नहीं लगेगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभ्यास करते रहना है, कुछ दिनों अभ्यास के कुछ दिनों के बाद जाकर के जब आपका गला खुलेगा तब आप समझ पाएंगे कि कहाँ तक जा रहे हैं हमारा आवाज़। मैंने जो बीच में एक और बात बताई कि रियाज करने के दौरान गला फट रहा है, गा रहे हैं, या कोई सॉन्ग कॉपी कर रहे हैं आप, जा नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि किसी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे अरिजीत सिंह जी का, इनका जो वॉयस है बहुत हास्की है, तो इनका जो रेंज है जो हास्की है, तो ये डी शार्प ई यही इनका रेंज है, यही इनका स्केल है, डी शार्प से वो गाते हैं, डी से गाते हैं, डी शार्प से गाते हैं। तो जिनका स्केल सी है या सी शार्प है, वो अगर डी शार्प का रेगा मा लगाएंगे तो उनका आवाज़ नहीं जाएगा, समझने वाली बात है, अपना नेचुरल स्केल समझना है। आप अपने स्केल पर अगर वही गाना गाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ज़बरदस्ती कॉपी करेंगे तो ऐसा लगेगा गला पूरा टूट रहा है, जा भी नहीं रहा है, आवाज़ फट रहा है, बहुत मुश्किल होगी। तो कोई भी गाना को गाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसका स्केल पहले समझ लीजिए, स्केल समझने के बाद उसका नोटेशन समझ लीजिए कि कैसे गाया गया है,
उसी गायकी को आपको अपने स्किल पे गाना है, तब वो नेचुरल गायकी आएगी। एक गजल थी, एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा, एक बस तू ही नहीं। ये मेरे नेचुरल स्किल में था, लेकिन ओरिजिनल जो गाना है वो एफ शार्प में है, बहुत ऊपर है। एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा। तो यहाँ तो ठीक लग रहा है, क्योंकि नीचे आना है तो थोड़ा हम स्केल ऊपर बढ़ गए तो गाने में आसानी होगी, लेकिन जब ऊपर बढ़ेंगे तो आवाज़ पहुँचेगा नहीं, फटने लगेगा, मुश्किल होगी, सा अलग हो जाएगा। सा जोर से चिल्लाना पड़ेगा, और ऊपर जाने में तो मुश्किल, रेगा तो जल्दी से लगेगा नहीं, रे तक मुश्किल से जा सकता है पर गामा नहीं लगेगा, तो जबरदस्ती गले पे अत्याचार करके नहीं करना है। कहने का मतलब है अपना एक रेंज पहले सही ढंग से जान लेंगे। सबसे पहला काम होता है खुद का स्केल समझना, स्केल समझ के उस पर अभ्यास कीजिए। एक स्केल में सभी स्वर होते हैं, ऐसा नहीं कि अगर हम सी शार्प से रियाज कर रहे हैं तो सारा का सारा लाइफ सी शार्प के सा से ही शुरू होता है गाना, ऐसा नहीं होता। गाना कहीं से भी होता है, ग से होता है, प से होता है, म से, कहीं से भी शुरू होता है। गाना थोड़ी है कि एकदम सा से ही शुरू होगा और सा पे ही गाना है, एक नोट पे गाना नहीं होता, बारहों स्वर लग रहे हैं, हर स्केल में बारहों स्वर हैं, सभी स्वर पे अभ्यास करना है। तो ऐसा नहीं कि एक स्केल पे करेंगे तो वो एक सा पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरा रेंज पे आप कर रहे हैं, एक रेंज है, कितने सारे स्वर हैं और कितने सारे सभी गाना आपके रेंज में है। कोई भी गाना तार सप्तक के माँ के ऊपर से कंपोज नहीं किया जाता, हर गाना का एक रेंज है। तो अपना रेंज पहचानिए फिर गाइए। फीमेल का जो स्केल है ना, उनका पतला आवाज़ होता है, वो ऊँचा गाती हैं तो ए शार्प बी फ्लैट है, मेल का थोड़ा मोटा है तो वो उससे नीचा गाते हैं। पहली काली बोलते थे एकदम फर्स्ट ब्लैक, सी शार्प, जनरली सबका यही होता है, किसी का थोड़ा और हास्की है तो डी होगा, डी शार्प होगा। मैं ई से गाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हास्की वॉयस है और बहुत थोड़ी पतली वॉयस है मेरी, इसलिए मेरी थोड़ी ऊपर है, जिसकी और मोटी होगी थोड़ा नीचे होगा। अपना रेंज और अपने रेंज में सानी धापा माँ गाना चाहिए और सारे गामा पा धा नि सा सारे गामा तक जाना चाहिए रियाज के बाद। तो यही चीज़ है, अगर आप बिगनर हैं मैं कहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर फॉलो कीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड दो तीन और वीडियो में बताऊँगा जिसमें बहुत डिटेल है अपना स्किल पहचानने के लिए। वो समझ के ही आप गाना गाइए और गाने को कॉपी नहीं कीजिए, बिना स्वर समझे बिना कुछ समझे उसको कॉपी मत कीजिए, नहीं तो अच्छे से अच्छा गाना भी बुरा लगेगा सुनने में। और अगर सुर को समझ के गाएंगे तो सिंपल से सिंपल गाना भी बहुत अच्छा लगेगा गले में, तो समझ के गाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी बातें कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूं आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड किए होंगे, वहां बहुत सारी जानकारियां हैं आपके सीखने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। अगर आप मुझसे पर्सनली गाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास दो तरह से होता है, एक वीडियो कॉलिंग के जरिए फेस टू फेस सामने बैठकर, और दूसरा व्हाट्सएप ऑडियो के ज़रिए।